सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस जो होती हैं वो डायरेक्ट इनपुट के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डेटा। इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की डिवाइसेस आती हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। लेट्स स्टार्ट विद स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास बारकोड रीडर्स आते हैं, मार्क्स एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस जिनके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन रीडर MICR, हमारे पास ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन OMR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप, स्मार्ट कार्ड्स, फसीमेल फैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम आते हैं। बारकोड रीडर्स जो होते हैं वो लेज़र बीम को यूज़ करते हैं टू रीड द बारकोड्स। बारकोड्स कंसिस्ट करते हैं ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसेस ऑफ डिफरेंट विड्थ। इसको नॉर्मली हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। इन बारकोड्स के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इनको हम UPC भी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। द बार कोड represents data that identifies the manufacturer and the item. Marks and character recognition devices. Marks and character recognition devices are used to read information printed on paper. These devices converts that information into a form that can be processed by the computer. अब उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स आते हैं। MICR जो है इट इज़ यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक्स फॉर चेक प्रोसेसिंग। अब अगर आप चेक्स के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बॉटम पे देखें तो आपको कुछ वर्ड्स नज़र आते हैं जिसके अंदर चेक की रूटीन नंबर होता है, उसके बैंक का नंबर होता है, उसमें आपके कस्टमर का अकाउंट नंबर होता है और चेक नंबर भी उसके अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं चेक के ऊपर प्रोड्यूस हुई होती हैं, और जिस वक्त हम लोग उस चेक को प्रेजेंट करते हैं टू द बैंकर, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑल दीज थिंग्स इन, वो क्या करता है कि इसको एक मशीन के अंदर से गुजारता है जो उसको रीड करती है ये इंफॉर्मेशन, और दैट इंफॉर्मेशन गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। OMR ये लाइट बीम को यूज करती हैं टू स्कैन इनपुट डेटा और फिर उस डेटा को कन्वर्ट करती हैं इनटू डिजिटल सिग्नल्स फॉर प्रोसेसिंग फॉर द कंप्यूटर। अब इसको हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये स्पेशल किस्म के करेक्टर्स को रीड करती हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल्स को, रेक्टेंगल्स को रीड करती हैं। अब इनका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे उन चीज़ों को रीड करने के बाद वैल्यूएशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को फीड कर देती हैं। OMR टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादातर ये आपके पेपर्स की वैल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है, फॉर एग्जांपल SAT, GRE वगैरह के रिजल्ट्स इसके ऊपर वैल्यूएट करके दिए जाते हैं। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। ये डिवाइस जो होती हैं ये रीड्स करती हैं प्रिंटेड करेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर फॉन्ट्स। एक पर्टिकुलर फॉन्ट के करेक्टर्स को रीड करेंगी और उनको कन्वर्ट करेंगी इनटू सच फॉर्म या इनटू डिजिटल फॉर्म विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब इसके लिए, इसकी रीडिंग के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर्स कहते हैं, जो करेक्टर्स को रीड करता है। नॉर्मली OCR करेक्टर्स अपीयर्स ऑन यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो होता है ये एक ऐसा कार्ड है जिसकी बैक के ऊपर मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा होता है। उस डेटा का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर हम लोगों की इंफॉर्मेशन फीड होती है, जैसे हमारी पर्सनल आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन, या बाहर के मुल्कों में जैसे हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स होते हैं उनके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन फीडेड होती है। उस इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है बाय स्पेशल डिवाइस विच इज़ नोन एज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर।
और इससे हम लोग फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड्स और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ फ़र्क इनमें यह होता है कि स्मार्ट कार्ड्स के अंदर एक चिप और एक माइक्रो प्रोसेसर एम्बेड किया गया होता है। उसके एम्बेड करने का फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रिप कार्ड जो है दैट ओनली प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, वी कैन नॉट अपडेट द इंफॉर्मेशन। ऑन मैग्नेटिक स्मार्ट कार्ड्स वी कैन ऑलवेज अपडेट आवर इंफॉर्मेशन। इसके अंदर ऐसे ही है जैसे हमारी मोबाइल्स की सिम्स होती हैं या एटीएम कार्ड्स होते हैं। अब मोबाइल सिम के अंदर हम लोग अपनी सिम के अंदर कितना कितना डेटा अंदर सेव कर लेते हैं, हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं ऑफ डिफरेंट पीपल्स टेलीफोन नंबर्स, हमारे मैसेजेस भी उसमें सेव होते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ये स्मार्ट कार्ड्स का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, मेमोरी चिप लगी हुई है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर डेटा को डाल सकते हैं और डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। फैक्स ईमेल और फैक्स मशीन, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके ज़रिए हम अपने तस्वीरें, अपने डॉक्यूमेंट्स, बेशक वो हैंड राइटिंग में हो या कंप्यूटर की फॉर्म में हो, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेलीफोन लाइन। द मशीन ऑन द सेंडिंग साइड स्कैन्स द डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच कैन पास थ्रू टेलीफोन लाइन, एंड देन द मशीन ऑन द रिसीविंग साइड कन्वर्ट्स दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रिंट्स इट। अब हमारे पास फैक्स मशीन्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। हमारे पास डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स भी होती हैं। डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स ऐसी फैक्स मशीन हैं जो कि सिर्फ फैक्स सेंडिंग और रिसीविंग का काम करती हैं। और दूसरे हमारे पास फैक्स मॉडेम्स होते हैं। फैक्स मॉडेम्स एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है, जो कि हमारे फैक्स को रिसीव और सेंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास इमेजिंग सिस्टम होता है। इमेजिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारी ड्राइंग्स को कन्वर्ट करता है इनटू ग्रिड्स या इनटू मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। अब इस प्रोसेस को जिसके अंदर हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, उसको हम रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। रास्टर ग्राफिक्स का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ जहाँ पे डॉट की प्रेजेंस होती है वहाँ पे डेटा की प्रेजेंटेशन 1 होती है, और जहाँ पे डॉट्स एब्सेंट होते हैं वहाँ पे डेटा की प्रेजेंटेशन 0 होती है। तो जब हम उसको बाइनरी फॉर्म में ले आते हैं तो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी फॉर्म, दैट्स वाई कंप्यूटर कैन सेव इट फॉर लेटर यूज़। तो इमेजिंग सिस्टम हमारे हैंड राइटिंग को, हमारी तस्वीरों को, हमारी ड्राइंग्स को, हमारी फोटोग्राफ्स को कन्वर्ट करता है इनटू सच फॉर्म विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर कैन सेव इट फॉर लेटर यूज़। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर साउंड्स को सेंड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब ये करती क्या है, ये आपकी एनालॉग साउंड्स को या जौन सी भी आवाज़ें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको कन्वर्ट करती हैं इनटू सच फॉर्म विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर कैन सेव इट फॉर फर्दर यूज़। अब इसके अंदर हमारे पास माइक्रोफोन सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है, जो कि आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनपुट। वीडियो इनपुट डिवाइसेस ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि तस्वीरों को या ऐसी चीज़ों को जो उसको नज़र आ रही होती हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनको डायरेक्टली सेंड कर देते हैं टू द कंप्यूटर्स। अब वीडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। उसके अंदर हमारे पास फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड्स होते हैं और फुल मोशन वीडियो कार्ड्स होते हैं। फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड्स जो हैं वो ऐसे कैप्चरिंग कार्ड्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं सिंगल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू डिजिटल फॉर्म। और जो फुल मोशन वीडियो कार्ड्स हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब जब वो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर कन्वर्जन करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कन्वर्जन हमें मोशन पिक्चर्स का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करके देती है।